अपने को आज जो इंसिडेंट हुआ पॉलिटिशियंस के साथ, पाकिस्तान के कुछ ब्रिटिशियंस आए हुए थे मस्जिद हरम और उनके ऊपर जो है चोर चोर के नारे लगाए गए, तो बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि वो मस्जिद के अंदर हुआ है या कहाँ हुआ है। वो मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, ये जगह है जहाँ वो हुआ है, दिस इज द होल प्लेस। तो इधर ये सारी मार्केट्स हैं और मस्जिद वहाँ वो है मस्जिद। तो ये इतनी बड़ी बीच की जो जगह है, ये यहाँ पर लोग चप्पल पहन के चलते हैं। देखिए आप, मैंने भी चप्पल पहनी है, यहाँ लोग चप्पल पहन के चलते हैं, आप देखे होंगे। यहाँ पे शटल्स भी आती हैं, यहाँ पे गाड़ियां भी पार्क होती हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, रहल कदमी भी कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ खाने खा रहे हैं। और ये जो है वो देखिए वो मस्जिद है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो मस्जिद है। और ये इस तरफ ये मार्केट्स हैं। तो ये बीच की जो जगह है, यहाँ पे ये सारा मामला हुआ है। ये मस्जिद के अंदर की जा नहीं है, ये कंपाउंड है एक जो कनेक्टिंग एरिया है बिटवीन द मॉस्क एंड द मार्केट्स। तो किसी ने मस्जिद का कद्दूस पामाल नहीं किया है। जब वो पॉलिटिशियंस अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो किसी ने हूट नहीं किया, किसी ने उस पर कुछ नहीं बोला। यहां से बस उनकी शटल जब जा रही थी तब लोगों ने हूट किया था, शाउट किया था, जो भी नाम उनको कहे। ये यहां की बात है। तो प्लीज जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बैश कर रहे हैं कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। मस्जिद के अंदर कुछ भी हुआ है, ये आप देख रहे हैं शटल भी खड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप खड़ी हुई शटल, सही है ना। तो ये मस्जिद के अंदर एरिया नहीं है, मस्जिद के अंदर जो है पाओं में चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर शटल ले जाना अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर इस तरह हलकदमी करना अलाउड नहीं है, मस्जिद के अंदर मेल फीमेल साथ बैठना अलाउड नहीं है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेल्स और फीमेल्स सब सहाते हैं, बिकॉज इट्स अ वॉकिंग एरिया बिटवीन द मस्जिद एंड द मार्केट्स। ये एक कनेक्टिंग एरिया है, सही है, जिसको कोर्टयार्ड भी कह सकते हैं आप। तो कोई फतवे वगैरह लगाने से पहले ना जरा दिमाग से सोचा करें कि आप क्या करें हैं। और दूसरी बात, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इबादत के लिए गए हो तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मेरे भाई मैं वैसे सफर पे हूँ तो मेरे पर कसर नमाज आती है, सही है। कसर का मतलब ये होता है कि फर्ज भी दो रकत हो जाती है अगर चार रकत है मगरिब और फजर की हटा के। तो मेरे ऊपर सिर्फ नफिल इबादत है और कसर है, लेकिन हम पूरी नमाजें पढ़ें अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जो टाइम बचता है तो हम उसमें व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। और इसका जो है सिर्फ मकसद ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं आया हूँ मदीना शरीफ, वैसे